Hello learners and viewers, welcome to NIS Studio. This is Live PCP for Environmental Science for NIS course. I am Neelam Gupta, welcome you in this program. Learners, we have already discussed about natural ecosystem part 1, jisme humne baat ki thi bahut se प्राकृतिक इकोसिस्टम और उसके प्रकारों की, जैसे टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसमें हमने बात की थी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा बायोम्स और उसके फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात की थी। साथ ही साथ वहाँ पर दूसरे जो एक्वाटिक इकोसिस्टम थे उनके बारे में बात की, जिसमें हमने मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर और एस्टुएरी के बारे में बात की थी। आज हम इस कड़ी में बात करेंगे भारत में पाए जाने वाले इकोसिस्टम्स की इस प्रोग्राम के दौरान। तो जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है टेरिस्ट्रियल बायोम, टेरिस्ट्रियल, लुक एट द फिगर, इसमें हमने लेफ्ट साइड में टेरिस्ट्रियल बायोम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है और दूसरी तरफ दिखाए हैं बहुत सारे बायोम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इसमें इंडिया का मैप पहचाने और उसमें देखें कि इंडिया के मैप में जो भारत है उसका जो कलर है वो सभी तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पूरा रंगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है जो लैंड पे पाए जाते हैं और एक्वाटिक जिसमें कि ग्रासेस हैं, हमारे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, टुंड्रा है, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में जिसमें कि हमारे फ्रेश वाटर यानी रिवर, लेक, पॉन्ड और मैरीन वाटर उसमें आते हैं, हमारे ओशंस एंड एस्चुरीज और सी, वो इसमें शामिल है। तो ये जो आपने फीचर देखा ये डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम के हैं जिसमें कि शामिल है, ये जो लैंडस्केप कह सकते हैं इंडिया का है, जो कि डिफरेंशिएट है करता है प्राइमरली ड्यू टू देयर टाइप ऑफ फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स सच एज, जैसे इसमें रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, एलिवेशन हो गया, सॉइल टाइप हो गया, इसके बेस पर कहते हैं। तो दिस द जो डिटरमाइन करता है किसी भी जगह के फ्लोरा और फोना को उस रीजन के लिए, जैसे बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा है, विच इज द बाउंड्री बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, देयरफॉर इट कैन बी रिगार्डेड एज ट्रॉपिकल कैलामिटीज। सो इंडिया हैज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लाइमेटिक कंडीशंस और रीजंस रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल इन द साउथ टू टेम्परेट एंड अल्पाइन इन द हिमालयन नॉर्थ। यानी अगर नीचे की तरफ देखें तो हमारा समुद्र के साथ का है और ऊपर अगर देखते हैं तो हिमालय यानी पर्वत वाला है। तो वेयर एलिवेटेड रीजंस रिसीव सस्टेन्ड विंटर रेनफॉल हिमालय रीजन में, तो नेशंस जो हम भारत का जो क्लाइमेट है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है हिमालय और थार डेजर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, हमारे यहाँ पहाड़ भी है, हमारे यहाँ ग्रासलैंड भी है, मरीन का भी है, एक्वाटिक भी है, सब तरह के इकोसिस्टम यहाँ पाए जाते हैं। आप उसके देख सकते हैं कि भारत में कितने तरह के क्लाइमेटिक रीजंस हैं, जितने रीजंस हैं उसी के हिसाब से यहाँ का वेजिटेशन और जो फ्लोरा कह सकते हैं, फौना जो यानी एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं। सो ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम के हैं, जो हम बात करेंगे मेजर इंडियन इकोसिस्टम के बारे में, थ्रेटन इकोसिस्टम के बारे में, नीड और मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम क्यों ज़रूरत है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले डिफरेंट इकोसिस्टम्स की यानी बायोम्स ऑफ इंडिया की। तो जैसे कि हमने बात की कि सभी तरह के हैं, तो इंडिया बहुत विशाल कंट्री है और उसमें बहुत तरह के नेचुरल इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं टेरिस्ट्रियल की, तो टेरिस्ट्रियल में हम फॉरेस्ट की बात करेंगे। फॉरेस्ट में हम बात कर रहे हैं, यहाँ डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मीन्स उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, टेम्परेट फॉरेस्ट, ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, समशीतोष्ण वृहत पर्ण वन, फिर चौथा नंबर का जो है वो है टेम्परेट नीडल लीफ और कॉनिफेरस फॉरेस्ट मीन्स समशीतोष्ण शंकुपर्ण या शंकुधारी वन, अल्पाइन और टुंड्रा फॉरेस्ट है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, तो ग्रासलैंड यहाँ है, डेजर्ट है, डेजर्ट में हम बात करेंगे थार डेजर्ट की, और थार डेजर्ट मतलब राजस्थान, और रन ऑफ कच्छ मीन्स गुजरात की बात आ जाती है, वहाँ पर ही डेजर्ट है।
माउंटेन्स में हिमालय है, घाट है हमारे यहाँ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, एंड एक्वेटिक सिस्टम की जब बात करते हैं तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन इकोसिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो सब हमने बात करनी है, डिटेल में बात करेंगे इन इकोसिस्टम्स की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट क्या है? एक वो बड़ा एरिया जो सपोर्ट करता है प्लांट्स और ग्रोथ के लिए और हैबिटेट होता है बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए। तो फॉरेस्ट इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड, कई तरह से कर सकते हैं, उनकी पोजीशन के हिसाब से, एटमॉस्फेयर का, वेदर कंडीशंस हैं, और उस तरह से हम करते हैं। तो दीज फॉरेस्ट हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ दीज, जो पोजीशन है या एटमॉस्फेयर है या वेदर कंडीशन है इसके बेस पर। तो फॉरेस्ट आर फाउंड जो इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे हमने बात की थी, अभी बात कर चुके हैं कि पांच कितने तरह के हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, टेम्परेट नीडल लीफ और कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, अल्पाइन एंड टुंड्रा फॉरेस्ट है। इसके अलावा भी भारत में कुछ और तरह के वेजिटेशन या फॉरेस्ट कह सकते हैं हम पाए जाते हैं, वो हैं टाइडल फॉरेस्ट, हिमालयन वेजिटेशन, रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया एंड डेजर्ट रीजन। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया के वेजिटेशन के लिए। दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन ए प्लेस वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यानी जहाँ बारिश ज़्यादा है वहाँ ये वन पाए जाते हैं, और सनशाइन जब सारे साल धूप रहती है। ग्रोथ ऑफ दीज ट्रीज इज यूजली एट द बेस्ट वेन जो रेनफॉल है वो अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, और तो यहाँ इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं अपने पहले फॉरेस्ट टाइप का जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड विद इन रेनी स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है हाई एल्टीट्यूड पर मिले, दे आर फाउंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ असम, नदन असम टू नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड पार्ट ऑफ द हिमाचल अरुणाचल प्रदेश, मोस्ट ऑफ द रीजन्स एट एन एल्टीट्यूड अराउंड 900 मीटर्स। दीज प्लेसेस हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल एंड सनशाइन थ्रू आउट द ईयर। तो जो जैसे हमने पहले ही बात की कि ग्रोथ ऑफ जो ट्री है वो बहुत अच्छी होती है जहाँ पर कि वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। इन दीज फॉरेस्ट ट्रीज ग्रोज वेरी ब्रिस्कली एंड अटेन हाइट ऑफ 60 मीटर से ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है या प्लांट्स पाए जाते हैं, यानी फ्लोरा इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कौन से जो वाइड बहुत वैरायटी हैं इसमें, तो दीज फॉरेस्ट आर वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज आर ग्रेट रिसोर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैनी सर्विसेज टू द ह्यूमंस। इसमें जो पेड़ हैं, जो प्लांट्स हैं वो हैं एबोनी, महोगनी एंड रोजवुड आर द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। फोना इसमें मैमल, बर्ड, इंसेक्ट सभी तरह के मिलते हैं। तो मैमल्स में इंक्लूड होते हैं स्लोथ्स, रोडेंट्स, बैट, पेक्रीज, फ्लाइंग स्क्विरल इन वनों में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो ए होम फॉर रैट, बहुत सारे कैट्स हैं, नहीं जो बिग कैट्स हैं जैसे जगुआर्स हो गया, ऑसिलॉट्स हो गए, सिवेट्स हो गई, और जग तो ये सब इसमें पाए जाते हैं। बर्ड्स में अमेजन पैरट्स है, क्रोज है, फेसेंट है एंड ग्रॉस बीक्स हो गया। अमंग मैनी अदर स्पीशीज ऑफ ब्राइटली प्लम्ड बर्ड्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट ऑल्सो। अब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हु इंजॉय द फॉरेस्ट फ्लोर उसमें शामिल होते हैं। एंट्स, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी होती है इनमें, इनकी टर्माइट्स हो गई, कैटीडेट्स हो गया, वॉकिंग स्टेक्स, बटरफ्लाइज, वास्प, स्पाइडर, बीटल्स एंड सिकाडास। ग्रीन कलरिंग एंड वेंट फॉर्मिंग्स हेल्प कैटीडेट्स ईजीली डिसगाइज देमसेल्फ अमंग लीव्स, यानी वो अपने को बचा सकता है क्योंकि उसका कलर ग्रीन है, तो वो पत्तियों में छिपके अपने जो भी उसको हंट करने वाले पक्षी हैं या जो भी है वो उसको नहीं ढूंढ पाते हैं।
तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट, जो जिसे कि डेसीडुअस बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा, उसमें दो डेसीडुअस में दो तरह के हो सकते हैं, या तो मश हो सकते हैं या फिर ड्राई फॉरेस्ट हो सकते हैं। ये डेसीडुअस क्यों है, क्योंकि ये अपनी जो लीव्स हैं उन ये कदे कास्ट लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 weeks इन समर, इसी दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट विथ ऑल देयर ग्रैंड्योर एंड ब्यूटी। यानी इतने अच्छी इनकी होता है कि ये नेचर में एक बहुत अच्छा सुंदर और शानदार दिखते हैं, और यही कारण है कि दे फॉर्म ए नेचुरल कवर अप्रॉक्सीमेटली ऑल ओवर इंडिया में ये मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट में जो मेन प्लांट्स हैं वो हैं टीक, साल और सैंडलवुड, और दे आल्सो हमने बात कर ली कि मॉनसून फॉरेस्ट हैं थे और फॉर्म ए नेचुरल कवर तो ऑल ओवर इंडिया में, यानी इसमें जो रेनफॉल है इस रीजन में कम से कम 275 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल इधर होती है। और ये जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं स्टेट ऑफ केरला, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ऑल्सो इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो एंड द वैलीज ऑफ हिमालयाज, यानी सभी जगह मिलते हैं। हमने बात की कि ये दो तरह के हो सकते हैं, ये इन फॉरेस्ट का एक वो है कि ये सेंसिटिव होते हैं फायर के प्रति, और ये दो तरह के हैं मॉश डेसीडुअस फॉरेस्ट और ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट। द मोस्ट डेसीडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेटो, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, साउथ बिहार, वेस्ट ओडिशा एंड शिवालिक्स। ईस्टर्न ये जो हाई लैंड मॉश डेसीडुअस फॉरेस्ट हैं, ये इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट हैं दे फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट दे हैव फाउंड इन द एरिया जहाँ पर रेनफॉल है 70 to 100 सेंटीमीटर, और जो मॉश डेसीडुअस फॉरेस्ट हैं वो फाउंड हैं ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, दे हैव नियरली रेनफॉल इन जो है इसका 100 to 200 सेंटीमीटर होता है। ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन्स दैट प्रीसीड प्रेसिपिटेट बिटवीन 70 to 100, जो हमने बात की, एज द ड्राई सीजन बिगिन द ट्रीज ऑफ डेसीडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीफ कम्प्लीटली, मतलब पूरा पतझड़ हो जाता है, उसमें कोई भी पत्ती नहीं दिखाई देगी, पौधा जो पेड़ हैं वो बिल्कुल लीफलेस होते हैं। इसमें तेंदू है आपका, पलास है, अमलतास है, बेल है, खैर है, एक्सलवुड है, ये इसके मेजर ट्री है इस फॉरेस्ट के। और सदर्न डेक्कन प्लेटो शोइंग ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट, और इसमें जो फौना है वो है एलिफेंट्स हो गए, वाइल्ड डॉग हो गए और स्लॉथ बियर यहाँ पर कॉमनली मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट का, दे मेनली अकर बिटवीन जहाँ पर की बारिश होती है, ये पाए जाते हैं एल्टीट्यूड 1500 to 2400 एल्टीट्यूड पर वेस्टर्न हिमालय। सेवरल स्पीशीज जो ओक है, क्वेरकस जिसका बॉटनिकल नेम है, उसकी स्पीशीज इन फॉरेस्ट में मिलती है। ओक ट्री एवरग्रीन है और ये दे शो पीक लीफ फॉल ड्यूरिंग समर बट नेवर बिकम लीफलेस, यानी पत्तियां झड़ती हैं लेकिन पूरी तरह से वो पत्तियां नहीं लीफलेस नहीं होता, यानी पत्ती वही नहीं होता है। ट्री कैनोपी इज डेंस, हाइट ऑफ द ट्रीज में भी 25 to 30 मीटर हो सकती है। इसमें हर्बेशियस लेयर जो जमीन में ग्राउंड में लेयर नहीं, जो लेयर दिखाई नहीं होती है, लीज डेवलप बहुत कम होती है और यहाँ पर कोई घास नहीं होती है। और ये ओक फॉरेस्ट आर ऑफन रिच इन एपिफाइटिक फ्लोरा, अधिक पादपों के जो प्लांट्स हैं वहाँ इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला है हमारा टेम्परेट नीडल लीफ और कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट हैं वो हिमालय में मोस्टली मिलते हैं, जिसमें जहाँ का एल्टीट्यूड होता है 1700 to 3000 मीटर एल्टीट्यूड पर ये वन मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट कंटेंट इकोनॉमिकली वैल्यूएबल जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो मिलते हैं इसमें, जैसे पाइन हो गया, डियोडर हो गया, साइप्रस हो गया, स्प्रूस है और सिल्वर फर।
कॉनिफरस फॉरेस्ट आर, जो इनकी लंबाई होती है 30 से 35 मीटर होती है, और दिस एवरग्रीन कैनोपी ऑफ लॉन्ग नीडल लाइक लीव्स होती हैं इसमें। आपने अगर कभी जम्मू की तरफ जाते हैं तो देखा होगा कि पाइन ट्रीज हैं जिनकी की सुई के जैसी वो नीडल शेप लीफ होती हैं। कैनोपी ऑफ दीज ट्रीज ऑलवेज रिमेन्स ग्रीन। और बहुत सारी जो स्पीशीज हैं इसकी जिम्नो कॉनिफेरस फॉरेस्ट इसमें प्लांट्स का ये कोन शेप्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं अल्पाइन और टुंड्रा फॉरेस्ट की। तो अल्पाइन एंड टुंड्रा फॉरेस्ट अनादर काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। तो वेजिटेशन ग्रोइंग एंड जो एल्टीट्यूड है वो 3600 मीटर में यूजली मिलते हैं, और इसको फिर हम अल्पाइन, ये जो वेजिटेशन मिल रहा है इसको हम अल्पाइन वेजिटेशन कहते हैं जो 3600 मीटर पर मिलता है। और इस कैन बी नोटिस विद द इंक्रीमेंट ऑफ द एटीट्यूड द प्लांट्स शो स्टडेड ग्रोथ, यानी जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी जितना, तो उसमें ये जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ जो है वो अवरुद्ध हो जाती है। द ट्रीज लाइक सिल्वर फर, पाइन, जूनिपर, बिर्च इस कैटेगरी में आते हैं। द अल्पाइन ग्रासलैंड आर मेनली फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड इन दिस रीजन। तो जो पीपल ट्राइबल ग्रुप का बिलोंग करते हैं, इसे गुज्जर और बकरवाल आपने देखा होगा कि वो अपने गाय, अपने जो मवेशियों को चराने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, रीजन में जाते हैं, तो उन्होंने इसका अच्छा यूज़ किया है। और इस इधर हाई एल्टीट्यूड रीजन पर लाइकेन और मॉसेस जैसे वेजिटेशन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सम अदर टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जो हमने पहले ही बात की थी कि और भी तरह के फॉरेस्ट हैं, जैसे टाइडल फॉरेस्ट हो गया, हिमालयन वेजिटेशन हो रीजन में जो वेजिटेशन है, या रेन फॉरेस्ट इन साउथ सदर्न रीजन है, और डेजर्ट रीजन में भी कुछ वेजिटेशन होती है, तो अब हम उस पर बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं टाइडल फॉरेस्ट पर। टाइडल फॉरेस्ट प्रोवाइड वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। दे कैन बी फाउंड along the coast and rivers, and they play enshrouded by mangrove trees that can live in both fresh and salt water. Sundari or Rhizophora is a renowned mangrove tree mainly found in the tidal forest, and it is after this tree the name of this area is Sundarban has been entitled to the forest part of the Ganga Brahmaputra delta. Wahan par Sundarban hai. अगली जो वेजिटेशन है वो हिमालयन वेजिटेशन है, वो ये भी एक मेजर वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन इंडिया है। द थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया हैव ए शार्प डिस्टिंक्शन विद द पाइन एंड कॉनिफेरस वुडलैंड्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय। चीर पाइन जो पाइनस रॉक्स वर्गी है ग्रोज थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्ट हिमालय एक्सेप्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ कश्मीर में नहीं होता है ये पाइन। चिलगोजा, ओक, मेपल एश also grows abundantly in the eastern Himalaya region में ये होते हैं। Next है हमारी category, वो है rain forest of southern India। ये भी natural vegetation में एक बहुत बड़ा contribution करते हैं, huge contribution है इनका भी। The most luxuriant rain forest lie on the southern western south western coast in the state of Kerala। आपने देखा होगा केरला में बहुत greenery है। The lagoons are canopied by coconut trees and lead to the longest uninterrupted stretch of rainforest in the country. Andaman Nicobar Island और Arunachal Pradesh कुछ और दूसरे हिस्से हैं इंडिया के जहाँ पर ये rainforest बहुत अच्छे से well preserved है। Then central, teak and sisho, यानी Dalbarjia sisho forest also flourish in the wet Karnataka plateau. अब हम बात करते हैं, क्योंकि डेजर्ट वेजिटेशन की बात की थी, क्योंकि जो राजस्थान में थार डेजर्ट है वो भी नेचुरल वेजिटेशन का एक बहुत अच्छा पिक्चर दिखा देता है। इसमें जो ट्रीज हैं वो शॉर्ट हैं, स्टाउट हैं, स्टंटेड हैं बाय द स्क्रैचिंग सन, यानी बहुत गर्मी है। यहाँ पर जो पेड़ पाए हैं वो हैं हमारे कैक्टी, रिंजुआ, खेजरा, कंजू, ओक, ये कॉमन प्लांट हैं इस रीजन में जो मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड्स की, क्योंकि हमने फॉरेस्ट की बात कर ली, डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट पर बात कर ली है, अब हम बात करते हैं
ग्रासलैंड की, क्योंकि हमारा नेचुरल वेजिटेशन में, नेचुरल इकोसिस्टम में ग्रासलैंड भी है। तो इंडिया में ग्रासलैंड ऐसे पाए जाते हैं जैसे विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड यानी चारा गौचर या चारा का, एंड एक्सटेंसिव लो पास्चर ऑफ ड्राई रीजन ऑफ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पर जो पेरिनियल ग्रासेस हैं वो डोमिनेंट हैं, प्लांट जो कम्युनिटी है पेरिनियल ग्रासेस की डोमिनेंट है, और कुछ एरिया में ग्रासलैंड आल्सो सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ अदर हर्बेशियस प्लांट्स जैसे सेजेस हो गया, लेग्यूम हो गया, और मेंबर्स ऑफ द सनफ्लावर फैमिली के जो पौधे हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो ग्रासलैंड सपोर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स, क्योंकि घास तो शाकाहारी जो जीव है वही अपने भोजन के लिए लेते हैं, उसमें शाकाहारी से लेके मतलब हर्बीवोर्स फ्रॉम माइन्यूट इंसेक्ट टू वेरी लार्ज मैमल, यानी ग्रासलैंड में इतने सारे जीवों को सपोर्ट मिलता है उनके भोजन के लिए। तो इसमें कौन कौन से जीव शामिल हो रहे हैं, तो रैट है, माइस है, रोडेंट्स हैं, डियर है, एलिफेंट है, डॉग है, बफेलो है, टाइगर है, लायन है, फेरेट्स हैं, ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जो मैमल्स के जो ग्रासलैंड में पाए जाते हैं यानी घास के मैदान में पाए जाते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया वन होन जो राइना है असम में, राइनो भी एक थ्रेटन एनिमल है यानी संकटापन प्राणी है चारा घास के मैदान का। अ लार्ज नंबर ऑफ अवियन फौना यानी जो पक्षी हैं मेक्स द ग्रासलैंड कलरफुल। इसका एक उदाहरण हम देख रहे हैं, तो ये जो ड्राई ग्रासलैंड में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की का चित्र दिखाया है और साथ में ग्रासलैंड का एक चित्र देख रहे हैं हम ड्राई ग्रासलैंड का। तो ड्राई ग्रासलैंड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर यूनिक हैबिटेट्स दैट सपोर्ट अ वास्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियाज एग्रो पास्टोरिस्ट कम्युनिटी, यानी जो चारागाह पर कृषि पर निर्भर होने वाली कम्युनिटी है उसको ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और दे आर ऑल्सो होम टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे इंडियन बस्टर्ड हो गया, लेसर फ्लोरिकन हो गया, और भी दूसरे एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज जैसे इंडियन वोल्फ, इंडियन फॉक्स और ब्लैक बग इसमें इन ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डेजर्ट की बात करते हैं रेगिस्तान की, भारत के रेगिस्तान की। तो डेजर्ट क्या है, डेजर्ट इज ए बैरन एरिया, एक बिल्कुल बंजर या ऊसर बिल्कुल प्ले बिल्कुल नहीं दिखेगा, खाली एरिया ही एरिया दिखेगा। तो वो लैंडस्केप है जहाँ पर लिटिल प्रेसिपिटेशन बहुत कम बारिश होती है इसीलिए सूखा रहेगा वहाँ पर, अकर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लिविंग कंडीशंस इतनी हार्श होती हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को उस कंडीशन में उन दशाओं में अपने आप को ढालने के लिए काफ़ी वातावरण के प्रति अनुकूलन उनमें दिखता है। और ये जो लेक ऑफ वेजिटेशन है वो एक्सप्रेस करता है अनप्रोटेक्टेड सरफेस ऑफ द ग्राउंड इन टू द प्रोसेस ऑफ डिनंडिएशन, यानी कि कह सकते हैं कि जब वहाँ वेजिटेशन नहीं है तो जो हमारी सॉइल सरफेस है वो भी खराब नहीं होता है, और क्योंकि वहाँ रेत ही रेत है, डेजर्ट है, तो हमारे यहाँ जो भारत में जो डेजर्ट है वो थार डेजर्ट है राजस्थान में, जो कि एक्सटेंशन है सहारा डेजर्ट का थ्रू अरेबियन एंड पर्शियन डेजर्ट के द्वारा। और ये जो थार डेजर्ट है वो एक्सटेंड है फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर गुजरात तक। तो इंडियन डेजर्ट आर उसमें प्लेन विद हिल्स भी हैं, प्लेन विद सैंड ड्यून्स भी हैं और मार्शेस भी हैं। तो हम अपने जो इंडियन डेजर्ट को है अब तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, द कोल्ड माउंटेन डेजर्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय यानी लद्दाख का जो रीजन है वो कोल्ड डेजर्ट हो गया, द वाइट सॉल्ट डेजर्ट ऑफ कच्छ यानी गुजरात का जो रेगिस्तान है डेजर्ट है वो है वाइट सॉल्ट डेजर्ट, और क्योंकि सैंडी डेजर्ट ऑफ राजस्थान गुजरात का वाइट सॉल्ट डेजर्ट है और सैंडी यानी रेतीला जो है वो राजस्थान का है, यानी हमारे यहाँ इस तरह के तीन डेजर्ट शामिल हैं। तो द डिस्टिंक्ट रन ऑफ कच्छ भुज इन गुजरात फॉर्म ए सेपरेट जोन विद इन थार डेजर्ट ड्यू टू इट्स डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन की डिफरेंट है, इट रिप्रेजेंट्स वास्ट सेलाइन फ्लैट्स
द रीजन ऑफ सैंड ड्यून्स आर मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड कवर्स द एरिया ऑफ 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये करीबन करीबन कवर करता है और ये पाकिस्तान तक इसका एक्सटेंशन है, यानी ये पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। और इसके जो ड्यून्स हैं आर हाईली सैंडी हैं और इसमें जो कण हैं वो क्या क्या हैं, 0.1 to 2.18 millimeter साइज के ग्रेन्यूल्स हैं, उसमें चिकनी मिट्टी कह सकते हैं, क्ले है 1.8 to 4.5% और 0.4 to 1.3% इसमें सिल्ट होता है। सिंस हीट एंड लाइट इंटेंसिटी आर वेरी हाई और सैंड ड्यून्स आर शिफ्टिंग, दिस डेजर्ट कैन नॉट सपोर्ट वेजिटेशन, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि सैंड ड्यून्स हैं तो वहाँ पर वेजिटेशन तो संभव ही नहीं है, लेकिन कुछ थोन फॉरेस्ट और ड्राई ओपन ग्रासलैंड पाए जाते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी नहर जो है पंजाब और हरियाणा से पानी लेकर जाती है, तो उसने राजस्थान की जो वेजिटेशन है उसको सपोर्ट किया है और वहाँ पर खेती होती है। तो जो मेन क्रॉप्स हैं डेजर्ट में वो होते हैं, जो फ्लोरा हम कह सकते हैं वो है बाजरा, मिलेट, वीट, बार्ले, मेज़, ज्वार और गवार। और मेडिसिनल प्लांट भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि मेहंदी हो गया, आँख हो गया, ईसब गोल हो गया और गूगल, ये प्लांट्स या फ्लोरा कहते हैं हम डेजर्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पर एनिमल्स भी काफ़ी पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल्स का ये है कि उसमें वो अपने उनके कुछ एडेप्टेशंस हैं जिसके चलते वो इसमें सर्वाइव कर पाते हैं। और काफ़ी सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं बर्ड्स और मैमल की, वो इधर पाई जाती हैं। तो कह सकते हैं कि इंडियन डेजर्ट सपोर्ट मैनी थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, जिसमें एशियाटिक लायन हो गया, वाइल्ड आस हो गया, बैट है, स्केली एंट ईटर है, रेडस फॉक्स है, इंडियन गेजल है, फोर हॉर्न एंटीलोप है, वाइट बोड बुशचट है, इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, क्रेन्स हैं और सैंड ग्रूज इसमें पाए जाते हैं। और क्योंकि गल्फ और कच्छ यानी जो गुजरात वाला जो रन का है रीजन वो डिस्टिंग्विश होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ लिविंग कोरल्स, पर्ल ऑयस्टर, सी टर्टल एंड ए लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे किंगफिशर हो गया, क्रेन्स हो गया, आइबिस हो गया और हेरन्स हो गए। तो इंडियन गेजल का आपको ये चित्र दिख रहा है, इंडियन गेजल ऑल्सो इसको हम चिनकारा नाम से भी जानते हैं, इज एन इनहेबिटेंट ऑफ द थार डेजर्ट है और इसकी ऊंचाई लगभग 2 feet हाइट होती है और वेट कम से कम 50 pounds के आसपास होता है। चिनकारा हैज़ ए बफ कलर्ड कोट विथ डार्क स्ट्राइप्स फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आई टू द मजल, द हॉर्न कैन रीच 1 feet लॉन्ग हो सकते हैं इसके जो सींग हैं। अगला चित्र है बस्टर्ड का, अ लार्ज ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड है जिसकी अगर खड़ी होती है तो करीबन 3.5 feet की इसकी लंबाई है और वे कम से कम जो इसका वजन है वो 30 pounds का है। बस्टर्ड हैज़ ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, क्योंकि जो रेत है या रेगिस्तान है उसमें ये तेज़ी से दौड़ सके और अपने आप को हीट से बचा सकते हैं। दे प्राइमरीली ईट ग्रास, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड सीड्स। अब हम बात करते हैं माउंटेन का, यानी हिमालय की डिस्ट्रीब्यूशन है हिमालय का। द हिमालय इज ए ग्रेट रेंज ऑफ माउंटेन दैट स्प्रेड्स ओवर ए वर्थ नॉस्ट नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट साउथ ईस्ट ओवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 kilometers कवरिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड चाइना। इंडिया में इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द इंडस रेंज बिलो नंगा पर्वत इन द वेस्ट टू वार्लुकचोंग, ब्रह्मपुत्र, जॉर्ज बिलो नमचा वरवा पीक इन ईस्ट। सो हिमालय ऑक्यूपाइज नियरली 5,31,250 square kilometers इन इंडिया। दे कवर करीबन 16.6% टोटल जियोग्राफिकल एरिया एंड आर स्प्रेड पार्शियली और कम्प्लीटली नियर 12 states, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर,
त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय शामिल है। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को फिर जारी रखेंगे। हिमालय और नॉर्थ वेस्ट हिमालय कि उसमें डिवाइड करते हैं।
तो थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ईस्टर्न हिमालय की। इसमें बहुत ही इकोसिस्टम की बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है, जैसे इसमें फॉरेस्ट भी हैं, ग्रासलैंड भी हैं, मार्शेस भी हैं, स्वैम्प भी है, लेक भी हैं, स्ट्रीम्स भी हैं, रिवर्स भी होते हैं। इट कंसिस्ट कम से कम 8,000 इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। इट हैज़ मेनली प्रिमिटिव एज वेल एज मेनी एंडेमिक प्लांट स्पीशीज इसमें पाई जाती हैं, और इसे बोला जाता है सेंट्रल ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स का। मैनी सीरियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कल्टिवेटेड इधर उगाए जाते हैं, जैसे ऑर्किड्स हो गया, एस्टर, एकेशिया, एल्बिजा, डलबर्जिया स्पीशीज जो टिम्बर स्पीशीज हैं, और बहुत सारे लेग्यूम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा है सेंट्रल हिमालय और नेपाल हिमालय, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि हम इंडिया के इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। वेस्टर्न हिमालय में जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, जिसमें लद्दाख है जो सपोर्ट करता है ड्रॉट और कोल्ड रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जिसमें एग्जाम्पल हमारा याक है। और नॉर्थ वेस्ट हिमालय और पंजाब हिमालय है। ईस्टर्न हिमालय आर वन ऑफ द वर्ल्ड एंड हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स बिकॉज ऑफ इट्स वेरीड इकोसिस्टम कंडीशन, इकोलॉजिकल कंडीशन इसमें, जिसमें पैंगोलिन, एलिफेंट, माक्यू, लेंगूर, सिबेट इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं घाट्स की। तो भारत में ये इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है और ये फैले हुए हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को भारत में हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दो हॉटस्पॉट जो टोटल 35 हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड में, उसमें दो इंडिया में है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ऑल्सो नून इनको सह्याद्री बोला जाता है, एक्सटेंड है कर ये इनका फैलाव है ताप्ती रिवर से इन नॉर्थ टू कंगना कुमारी इन साउथ। कवरिंग इसका जो कवरिंग एरिया है वो नियरली 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। दे पास थ्रू द स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में है। रेनफॉल में वेरी फ्रॉम 100 टू 500 सेंटीमीटर। सॉइल इज मेनली रेड और ब्लैक इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स। दीज घाट्स आर वन ऑफ द रिचेस्ट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट। जैसे हमने बात कर दी कि दुनिया के 35 पॉइंट्स में ये एक शामिल है। इसमें करीबन फ्लावरिंग प्लांट्स की 3,500 स्पीशीज पाई जाती हैं वेस्टर्न घाट में, जिसमें से 1,500 जो स्पीशीज़ हैं वो एंडेमिक हैं यानी स्थानिक हैं, वो वहीं मिलती हैं और कहीं वो स्पीशीज़ वहीं पाई जाती हैं। उसी तरह से अगर हम फ्रेश वाटर फिशेज़ की बात करते हैं तो 209 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 120 स्पीशीज़ ऐसी हैं फिश की जो कि एंडेमिक हैं यानी वहीं मिलती हैं। उसी तरह से एम्फीबियन यानी जो फ्रॉग फैमिली है उसकी करीबन 219 स्पीशीज़ हैं, जिनमें से 106 स्थानिक हैं यानी एंडेमिक हैं। वेस्टर्न जो माउंटेन ऑफ द वेस्टर्न घाट आर नॉट लाइक हाई स्नो पीक, हिमालय की तरह से नहीं है, इसके ऊंचे इतने पर्वत नहीं है, लेकिन दे मेक अप द बायोडायवर्सिटी हार्बिंग एन इम्प्रेसिव एरे ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर बहुत तरह की वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलती है। ईस्टर्न घाट जो और उसको हम पूर्वी घाट भी बोलते हैं, एक्सटेंड जो ये इसका जो फैलाव है वो है नॉर्थ साउथ वेस्ट स्ट्राइक इन इंडियन पेनिनसुला, कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये फैले हुए हैं स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु। ईस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म ए कंटिन्यूस रेंज बिकॉज द ग्रेट रिवर जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कट अक्रॉस देम, यानी वो एक पूरी लाइन नहीं बनेगी, जगह जगह कहीं कहीं वो कट उसमें है। दे आर एन असेंबलीज ऑफ डिसकंटिन्यूस रेंजेस ऑफ हिल्स, प्लेटो एंड बेसिस। द क्लाइमेट ऑफ दीज घाट्स मे बी सेमी एरिड टू सेमी ह्यूमिड विद ए रेनफॉल रेंजिंग जो है इसका 60 to 160 सेंटीमीटर होता है। वेजिटेशन रेंजेस भी इसमें एवरग्रीन ट्रीज टू दैट ऑफ ड्राई सवाना, यानी कि एरिड और सेमी ह्यूमिड है, इस वजह से इसमें इस तरह का वेजिटेशन है। ईस्टर्न घाट्स आर अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हियर इज अ बिग इशू और बिग चैलेंज टुडे।
स्पेशल मेजर्स आर टेकन टू प्रोटेक्ट दिस फ्लोरेस्टिक जोन। अब हम बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑफ इंडिया की। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जैसे फ्रेश वाटर है और मरीन वाटर है, तो फ्रेश वाटर में यानी अलवणीय जल जो है वो जमीन पर पाए जाने वाले तंत्र होते हैं, और इसमें झीलें हो गई, तालाब हो गया, जलाशय हो गया, और नदियां इसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जो भारत का टोटल अलवण जलीय क्षेत्र है वो है 7.6 मिलियन हेक्टेयर। इसमें झीलें क्या है, प्राकृतिक रूप से बनने वाले गहरे पानी के निकाय हैं, जैसे सुल्तानपुर झील हो गई, बटकल झील हो गई, चिल्का लेक उड़ीसा में हम कह सकते हैं। दूसरे हो गए फ्लड पॉइंट्स, ये वो स्थान है जहाँ पर समय समय पर नदियों में आने वाली बाढ़ का पानी भरता रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो उथले और मौसमी जल निकाय हैं वाले प्राकृतिक क्षेत्र हो गए, और बड़ी नदियों के किनारे फ्लड पॉइंट्स होते ही हैं। जलाशय ये ना पॉन्ड जो होते हैं वो हमारे ह्यूमन मेड एरिया, मानव ने बनाए निर्मित पॉन्ड होते हैं, जो कि इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए और ह्यूमन यूज के लिए यूज किए जाते हैं। तो रिजर्वायर जो है वो फॉर्म किस फॉर्म में होते हैं, फॉर्म बाय डैम्स यूज फॉर इरिगेशन। और रिवर्स क्या है, रिवर हमारी नेचुरल फ्लोइंग बॉडी वाटर बॉडीज हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं आपके जितनी भी नदियाँ हैं वो, क्योंकि वो निरंतर बहती रहती हैं, यानी यमुना, गंगा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा जितनी भी नदियाँ हैं वो रिवर्स में शामिल होती हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये आती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मरीन इकोसिस्टम के बारे में। तो जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 8,000 किलोमीटर लंबा है, जो 9 राज्य और 2 द्वीप श्रृंखलाएँ यानी अंडमान निकोबर और लक्षद्वीप से गुजरता है, और इस पर बहुत सारी नदियाँ जो है, अनेकों नदियाँ समुद्र में अपने मिलती हैं, और वहाँ पर ये एक खाड़ी का या संगम का निर्माण, संगम पर अपने संगम पर खाड़ी की रचना करती है। और हमारे भारत में जो है 3 खाड़ियाँ हैं, गल्फ ऑफ मन्नार और जो पूर्वी तट पर है, और गल्फ और कच्छ और गल्फ और खम्बात जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। महाद्वीपीय पट्टी की गहराई लगभग 200 मीटर है, परंतु जो तट के साथ साथ जाते थे इसकी चौड़ाई में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तनशील है, और हिंद महासागर जो है तीनों महासागरों में सबसे छोटा है। तो टाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिटरमाइन द मैरीन लाइफ, जो टाइड्स हैं वो ही निर्भर वो करते हैं। और जो 14 स्पीशीज़ हैं हमारी सी ग्रासेस की और 120 स्पीशीज सी बीड्स की हैं, वो इन कोस्ट पर पाई जाती हैं, इन तटों पर पलती हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑलमोस्ट ऑल द इन्वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स ग्रुप मैरीन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जो भी वर्टिब्रेट्स हैं और इन्वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी इसमें मिलते हैं। कोरल्स आर द मोस्ट अबंडेंट एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल, और 199 स्पीशीज़ हैं कोरल्स की जो इंडियन ओशन में पाई जाती हैं। दे मेक कोरल रीफ्स विच आर होम टू ए लार्ज नंबर ऑफ अदर सेडेंटरी स्पीशीज, जैसे मोलस्क हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए, और सीलेंट्रेट्स को ये के लिए रिहाइश है। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कोरल का हमने बात कर दिया कि कोरल रीफ इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो सी है वो प्रोवाइड करता है फीडिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड, और नंबर ऑफ बर्ड्स जो सी बर्ड्स होती हैं और मैमल्स जैसे शी क्रोज हो गया, आपका वेल हो गया, डॉल्फिन हो गए, इनके इनको ये फीडिंग और ब्रीडिंग के लिए स्पेस देते हैं। मैरीन फिशरीज कंट्रीब्यूट अ हाईली प्रोडक्टिव सेक्टर इन इंडिया, इट इज सोर्स ऑफ फूड एंड एम्प्लॉयमेंट टू द कोस्टल पॉपुलेशन। अब हम जो थ्रेटन्ड इकोसिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कुछ इकोसिस्टम बहुत सेंसिटिव हैं, और क्योंकि इसलिए कि जो ह्यूमन ने उसका मिसयूज किया है, और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स और कैलामिटीज के चलते भी ये खतरे में आ गए, संकट में हैं। इनमें मैंग्रोव एस्टरीज और आइलैंड शामिल हैं। तो थ्रेटनिंग इकोसिस्टम में क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, हमारी पॉल्यूशन हो गया, लॉस ऑफ हैबिटेट हो गया, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इससे इकोसिस्टम हमारे थ्रेटन हुए हैं। नेचुरल डिजास्टर जैसे
सडन एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल एक्सीडेंट और इवेंट्स दैट कॉज लॉस ऑफ जो प्राकृतिक इकोसिस्टम को बहुत ही डैमेज करता है और ह्यूमन लाइफ को भी डैमेज होता है उसमें। और नेचुरल डिजास्टर में सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, वोल्केनिक इरप्शन और साइक्लोन्स हैं, इनको ये किस तरह से हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं इसके बारे में जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट पे बात करेंगे तब हम इसको डिटेल में उसमें लेंगे। अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स से भी, कैलामिटीज से भी हमारा इकोसिस्टम, कुछ इकोसिस्टम हमारे थ्रेटन्ड हैं। तो सबसे पहला है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये रिप्रेजेंट करते हैं करेक्टरिस्टिक लिटोरल लीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को। दीज फॉरेस्ट ग्रो इन शेल्टर्ड लो लाइंग कोस्ट एस्टुरीज, मड फ्लैट्स, टाइडल क्रीक्स, बैक वाटर, वाटर हेल जो मार्शेज हैं एंड लगून्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट एंड आइसलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार में। सिंस मैंग्रोव्स आर लोकेटेड बिटवीन द लैंड ऑफ एंड सी, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं बेस्ट एग्जाम्पल हमारा इकोटोन का। दे रिप्रेजेंट वन ऑफ द हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया आर द रीजन, जो कि सुंदरवन है क्योंकि यहाँ पर जो सुंदरी पेड़ है उसकी वजह से इसका नाम सुंदर वन रखा है और ये एक हॉट स्पॉट भी इंडिया का है। और ये इसमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी दिख रही है, रिचनेस ऑफ स्पीशीज है और बहुत सारे एंडेमिक फॉर्म्स भी, स्थानिक स्पीशीज भी यहाँ मिलती हैं। दीज इकोसिस्टम क्यों थ्रेटन्ड है, ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस के वजह से ये है। इनके मैंग्रोव के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये फॉरेस्ट इंक्लूड ए डाइवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स है, प्लांट्स आर एक्सेप्टेड टू हाई सैलिनिटी, रेजिस्टेंट टू टाइडल इफेक्ट, टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर, रूट्स बियर नोमैटोफोर, यानी एरियल रूट्स पाई जाती हैं क्योंकि दलदली है वहाँ ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है तो कुछ उनकी रूट्स बाहर आ जाती हैं और वो रेस्पिरेशन सिस्टम को बनाती हैं। एस्टुरीज क्या है कि वो जो वेटलैंड है, एस्टुरीज इन देयर सराउंडिंग्स, वेटलैंड्स आर बॉडीज ऑफ वाटर यूजली फाउंड वेयर रिवर मीट सी, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिल रही है वहाँ पर जो पॉइंट बनता है उसमें वो एस्टुरीज होती हैं। एस्टुरीज आर होम फॉर टू यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल कम्युनिटी दैट हैव अडेप्टेड टू ब्रैकिश वाटर, मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर ड्रेनिंग फ्रॉम द लैंड एंड सॉल्टी वाटर। आइलैंड क्या है, आइलैंड आर द लैंड मासेस सराउंडेड बाय सी वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, दे मे बी फार अवे फ्रॉम द कॉन्टिनेंट और मे बी वेरी क्लोज टू द कॉन्टिनेंट। दो आइलैंड है इंडिया के पास, अंडमान एंड निकोबार ये बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप है अरेबियन सी में। आइलैंड इकोसिस्टम आर थ्रेटन्ड मेनली ड्यू टू द हैबिटेट रेस्ट्रिक्शन फॉर रिसोर्सेज एंड टूरिज्म, ऑल्दो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज मच लेस ऑन दीज आइलैंड, ऑयल स्पिल जो समुद्र में होता है उसकी वजह से यहाँ के फ्लोरा और फौना अफेक्टेड होते हैं। बहुत सारी इंडेमिक स्पीशीज हैं टर्टल्स की और बर्ड्स की, वो यहाँ पाई जाती हैं जो कि आज एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। तो गवर्नमेंट ने स्पेशल इनिशिएटिव लिए हैं इसको बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं इकोटोन क्या है। इकोटोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंग्रोव फॉरेस्ट की हमने बात की है। दे रिप्रेजेंट इकोटोन बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरे एग्जाम्पल भी हैं जो कि ग्रासलैंड हो सकता है, एस्टुरीज हो सकते हैं और रिवर बैंक हो सकते हैं। इनके करेक्टरिस्टिक क्या है कि इट मे बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड हो सकते हैं, इट इज़ अ कंडीशन इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, इसलिए इकोसिस्टम इज ए जोन ऑफ टेंशन। इट शोज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ वन इनकमिंग कम्युनिटी और ए साइमल्टेनियस डिक्रीज इन स्पीशीज ऑफ द अदर आउटगोइंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी, यानी एक उसमें आ सकती है दूसरी उसमें से बाहर भी जा रही है। वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन्स सम ऑर्गेनिजम्स विच आर डिफरेंट इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ द एजेनिक, जो डिफरेंट होगा और एजेनिक जो पास की कम्युनिटी है उसमें वो नहीं होगा। समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्पीशीज इज मच ग्रेटर इन द जोन देन आइदर कम्युनिटी,
इसको हम एज इफेक्ट कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच अकर प्राइमरीली और मोर एबंडेंटली इन दिस जोन उसको हम कहते हैं एज स्पीशीज, और इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज स्पीशीज इफेक्ट जो देखा जाता है इज स्पेशली अप्लीकेबल टू बर्ड्स पर है। यानी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, डेंसिटी ऑफ लॉन्ग जो सॉन्ग बर्ड हैं इज ग्रेटर इन द मिक्सड हैबिटेट ऑफ द इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव इकोसिस्टम, मतलब प्रोटेक्शन किस तरह से किया है इकोसिस्टम का। तो नेचुरल इकोसिस्टम हैव बीन मिसयूज बाय द ह्यूमंस ह्यूमन बींग्स एज रिजल्ट ऑफ विच द बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ हैव बीन थ्रेटन ड्यू टू इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इट्स इंक्रीजिंग नीड एंड ग्रीड आर द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। सो डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ एनी नेचुरल इकोसिस्टम विल रिजल्ट इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड ह्यूमन बींग्स हिमसेल्फ बिकम एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो मैनेजमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट एम्स टू कंजर्व मेजर इकोलॉजिकल सर्विसेज एंड रेस्टोर नेचुरल इकोसिस्टम वाइल मीटिंग द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, तो ह्यूमन शुड नीड रिड्यूस देयर नीड इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीशीज और फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द ह्यूमन इंटरफेरेंस शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम इन टू नेचुरल इकोसिस्टम। सम ऑफ द एरिया शुड बी ईयर मार्क्ड एज प्रोटेक्टेड और रिजर्व जोन्स। दिस कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग बफर और ट्रांजिशनल जोन्स अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया। ये यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क का चित्र है जो कि DDA और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सहयोग से बनाया था, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क इन दिल्ली टू प्रोटेक्ट द प्रोटेक्ट एंड रिसोर्स रीस्टोर नेचुरल बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट फ्रॉम द रिवर बैंक यमुना। सम नेचुरल हैबिटेट इज क्रिएटेड फॉर द प्लांट्स एंड एक्वेटिक बर्ड्स विद इन ए स्पैन ऑफ द 1 ईयर आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेटलैंड। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आए। तो इस तरह से हमने बात की आज भारत के जो प्राकृतिक इकोसिस्टम है और जो थ्रेटन्ड इकोसिस्टम है और हम किस तरह से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल इकोसिस्टम Part 2। वी विल कम अगेन एंड मीट यू विद अ न्यू प्रोग्राम ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। टिल देन थैंक यू।